शाम जिनकी नए झगड़ों में फसादों में कटी, रात बस खुदकुशी करने के इरादों में कटी, ऐसे कम बख्तों को मरने से बचा लूं तो हंसूं। भारत में रहना है तो भारत से प्यार करो, नहीं इस भारत से मुख मोड़ जाइए। जिस मुल्क के रिवाज रीति नीति हो पसंद, उस मुल्क से ही निज नाता जोड़ जाइए। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया, एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया, 5 साल वाला गठबंधन 10 महीने में तोड़ दिया। सुलझा विवाद श्री राम जन्मभूमि वाला बन रहा मंदिर है जय सिया राम की, नाच नर नारी झूम धरती को चूम चूम, देवगण बोले जय जय अयोध्या धाम। तुमने गोकुल की गोपियों से अगर क्या बात है? प्रेम का व्याकरण पढ़ा, फर्क नहीं होता है राजा और भिखारी में, दोनों की सांसें काटी है समय की तेज कटारी में। नौजवानों भारती पुकारती है, भेदभाव छोड़कर साथ साथ आइए, गांवों पे लगी है फिर भारती की लाज, आज सिंह नाद कर सोए राष्ट्र को जगाइए। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण शुक्ल आपको प्रणाम करता हूं। सतमौला कवियों की चौपाल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी मैं तेरे बच्चे का बाप बनने वाला हूं, ये देख। ओ बुद्धू, एक गैस से भरा गुब्बारा अपनी माँ को दिखाइयो। लाइफ में कुछ बातों का बचना बहुत मुश्किल, और जब हो 7 सतमौला और उसका चटपटा टेस्ट, तो हर चीज बचेगी आसानी। सतमौला सेलिब्रेट्स द रिलीज ऑफ फुकरे 3 इन थिएटर्स नियर यू। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए, अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? चल सतमौला खाओ कुछ भी बचाओ। आज हमारा परम सौभाग्य है कि आज हमारे साथ देश ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त एक ऐसे कोरोना वीर, अगर मैं कहूँ एक ऐसा व्यक्तित्व हमारे बीच में है। और एक बहुत ही बड़ा नीति वाक्य किसी दार्शनिक ने कहा है, किसी की खुशी में चाहे आप बेशक खड़े ना हो, लेकिन उसके दुख में की घड़ी में जरूर साथ खड़ा होना चाहिए। तो उस मानवता के सारथी ने एक ऐसा पथ चुना जो विषाद और पीड़ा को जिसने अपने जीवन में अंगीकार किया, उसको समझा, और मानवता के सारथी के रूप में जो आज सुप्रसिद्ध व्यक्तित्व बन चुके हैं, उनका मैं परिचय दूं। उनका परिचय होता है, उनको बोलते हैं पद्मश्री श्री जितेंद्र सिंह शंटी जी। जितेंद्र सिंह शंटी जी को भारत सरकार ने भी हाल ही में पद्मश्री से नवाजा है। यदि मैं कहूँ पद्मश्री स्वयं जितेंद्र सिंह शंटी जी का व्यक्तित्व पाकर के वह गौरवान्वित हुआ है। इनके बारे में एक बात मैं और कहना चाहूँगा, ये वो व्यक्ति है जिसने मानवता को जीवन में उतारा ही नहीं बल्कि मानवता को साक्षात लोगों को मानवता के साथ जीने की प्रेरणा भी देते रहे हैं। तो मैं ऐसे व्यक्तित्व का हार्दिक स्वागत करता हूं, जोरदार ताली के साथ हम उनका स्वागत करते हैं। जितेंद्र सिंह संटी जी, एक चीज मुझे अगर मैं प्रारंभ करूं आज, क्योंकि पॉडकास्ट तो होता ही है कि इसमें कोई लिस्ट नहीं होती, जो मन में बात आती पूछी जाती है और अनलिस्टेड होता है, और ऐसे कई लोग होते हैं वो अपनी लिस्ट तैयार करके लाते हैं, ये क्वेश्चन होना चाहिए, ये होना चाहिए। आज बिल्कुल अलग क्वेश्चन है और उसके लिए मुझे पता है आप बिल्कुल तैयार होंगे, क्योंकि आपने ये, आपके लिए आज की बात नहीं है, आपके लिए तो रोज़मर्रा का आपका ये काम हो गया है। पहले तो मुझे, मैं आपको, अगर मैं 30 साल पहले आपके पीछे जाऊं, तो आप उस समय यूथ कांग्रेस के आप ब्लॉक प्रेसिडेंट हुआ करते थे।
एक राजनीतिक व्यक्ति ऐसे दुष्कर कार्य में लग जाएगा जहां पर लोग जाते हुए हिचकिचाते हैं, वहां आप जाकर के लोगों के आंसू पोंछते हैं, लोगों की पीड़ा समझते हैं। एक राजनीतिक, उस टाइम आप राजनीतिक व्यक्ति थे, उस समय आपने कार्य प्रारंभ किया, और एक राजनीतिक व्यक्ति इतना संवेदनशील हो सकता है? तो संटी जी जरा इसके बारे में बताएं कि एक विरोधाभास कैसे। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ प्रवीण जी, आपने सतमोला कवियों की चौपाल में मुझे बुलाया, आमंत्रित किया, मैं उसके लिए आपका भी धन्यवाद करता हूँ, अनिल मित्तल जी का धन्यवाद करता हूँ, और जो आज कवि आए हैं उन सबको भी स्वागत करता हूँ। आपका जो क्वेश्चन है वो कि राजनीति फिर सेवा, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि राजनीति से इंसान को कई बार बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर हम देश का इतिहास देखें, सुभाष चंद्र बोस भी कांग्रेस में थे, शहीद आजम भगत सिंह जी कांग्रेस में थे, उन लोगों ने कांग्रेस, क्योंकि उस समय एक मूवमेंट चल रही थी, उस मूवमेंट में सभी लोग किसी ना किसी पार्टी तो एक ही होती थी देश में, सच बोलूं तो मैं आज भी जो हमारे देश के बड़े बड़े नेता हैं सब कांग्रेस ही आए निकल गए। इसी प्रकार मैंने भी बचपन में जब अपनी लाइन पकड़ी तो मैं राजनीतिक शुरू की। सिर्फ ये नहीं कि मैं कांग्रेस में ब्लॉक अध्यक्ष रहा, लेकिन मुझे जब लगा कि मुझे कांग्रेस में या किसी भी पार्टी में रह के सिर्फ राजनीतिक संतुष्टि मिलती है, सामाजिक संतुष्टि नहीं मिलती है। और एक चांस की बात है कि एक दिन जीवन जब मेरा बदला कि शमशान घाट पे मैं देखता हूँ कि कोई व्यक्ति लोगों की जली हुई लकड़ियों अधजली उठा रहा है, मुझे लग रहा है चोरी कर रहा है, तो मैंने पूछा तो कहने लगा मैं दिल्ली में बच्चे का इलाज कराने आया था, डेथ हो गई है, इतने पैसे नहीं है कि दाह संस्कार कर सकूँ। वो मेरे जीवन का बदलाव था, मुझे एक सोच आई, उस बच्चे का मैंने संस्कार कराया, मेरे दोस्त भी साथ थे, मैंने कहा यार दिल्ली में लोग करोड़ों रुपए मकान पे लगाते हैं, शादी पे लगाते हैं, मैरिज एनिवर्सरी पे लगाते हैं, बर्थडे पे लगाते हैं, कारें खरीदते हैं, उस दिल्ली के अंदर राष्ट्रीय राजधानी नेशनल कैपिटल ऑफ टेरिटरी में एक दाह संस्कार के लिए बंदा तड़फ रहा है, तो क्यों ना ये काम शुरू किया जाए। बहुत अच्छा, बहुत। तो मुझे कईयों ने कहा कि शंटी जी ये काम तो प्रशासन का है, आप क्यों करोगे? मैंने कहा प्रशासन का है चाहे, लेकिन कुछ काम, हमारे घर में पानी साफ नहीं आता, हम लगाते हैं ना आरओ, बिजली नहीं आती, इन्वर्टर लगाते हैं ना, तो ये क्यों नहीं कर सकते हम अगर प्रशासन का ध्यान नहीं जा रहा है। तो मैंने एक शमशान घाट अडॉप्ट किया, दो किए, करते करते 17 शमशान घाट अडॉप्ट कर लिए, एक प्रचलन सा चल पड़ा दिल्ली में, सबको पता लग गया कि अगर कोई गरीब है या लावारिस है तो शंटी को फ़ोन कर दो, चाहे वो हॉस्पिटल है, चाहे दिल्ली पुलिस है, कोई भी डिपार्टमेंट था, वो हमको फ़ोन करते थे, फिर बढ़ता चला गया, और आज तक हम 70,000 से ज़्यादा डेड बॉडी हम क्रिमेट कर चुके हैं, 70,000 29 साल के अंदर, बहुत ये एक रिकॉर्ड बना, और करते करते बीच में कोरोना आ गया। शंटी जी ये बात तो सही है आपकी कि आप तो एक विलक्षण प्रतिभा के व्यक्तित्व हैं, विरले व्यक्तित्व हैं, कुछ ऐसे ये कार्य करते हुए संटी जी कुछ ऐसी आपको घटनाएं याद आती हूँ? जैसे मैंने कभी आपसे इस बात को कभी आपने जिक्र किया कि आपके अंदर तो ये चीज़ है, आपने अभियान चला रखा है, लेकिन क्या ये व्यक्तित्व भी इतने संवेदनशील होते हैं कि किसी की मृत्यु हो गई और हमें असंवेदनशील के होकर के तटस्थ भाव की तरह हम कहीं बैठे हुए नजर, ऐसे कोई ऐसे व्यक्तित्व भी सामने आए तो आपने उनके लिए कैसे आपने उनको रास्ता दिखाया? देखिए परमात्मा ने सृष्टि में हर तरीके के लोग पैदा किए हैं, अच्छे दिल वाले भी, बुरे दिल वाले भी, सामाजिक भी, अव्यवहारिक भी। काफ़ी हद तक इंसान जब पैदा होता है ना उसके अंदर संस्कार माँ के पेट से आते हैं, उसके बाद पिता के संस्कार भी बच्चे के अंदर आते हैं, फिर समाज के आते हैं, फिर शिक्षा स्कूल से मिलती है। मेरे को मेरी माँ के संस्कार बहुत मिले हैं। जब मैंने शहीद भगत सिंह सेवा दल शुरू किया तो मेरी माँ ने तीन बातें मुझे कही थी जो मैंने आज तक गांठ बांध के रखी हुई हैं कि बेटा तूने शुरू किया है ना बंद मत करियो ये। दूसरा उन्होंने कहा था कि दिन हो चाहे रात हो किसी को मना मत करियो कि मैं काम कर नहीं सकता, जो आया तेरे पास ईश्वर उसको भेज रहा है, तेरे को कुछ समझ रहा है, तेरे अंदर कुछ उसको दिख रहा है तभी आ रहा है।
और तीसरी बात उन्होंने कही थी कि बेटा कभी भी जिंदगी में अहंकार मत करियो कि तू कर रहा है, तू नहीं कर रहा है, ये परमात्मा करा रहा है तेरे से। माँ के संस्कार काम आए, फिर वैसी मुझे धर्मपत्नी मिली, वैसी बच्चे मिले, बच्चे मेरे साथ खुद लग गए। बेटा मेरा लंदन से पढ़ के आया, छोटे वाला ज्योत मास्टर करके आया डिजास्टर मैनेजमेंट में, बड़े वाले ने मास्कॉम किया, मनीष ने, उन्होंने भी मेरा पूरा साथ दिया जी। और खाली काम एक नहीं था ना सीमित, जब डेड बॉडी का काम करने लगे तो हमें लगा यार डेड बॉडी ले जाने के लिए व्हीकल ही नहीं मिलता कोई। आज भी, आज की बात करा रहा हूँ मैं, 30 साल के बाद वही खड़ा ढर रहा। प्राइवेट हॉस्पिटल वाले लाखों रुपए के बिल ले लेते हैं, जब डेथ हो जाए तो कहते हैं बॉडी ले जाओ, गाड़ी ले आओ जी। अरे गाड़ी कहाँ से ले आओ, पैसे कितने मांगते हैं गाड़ी वाले, 15-15, 20-20 हज़ार मांगते हैं। तो उस समय मैंने 96 में शव वाहन बनाया एक, करते करते कोविड तक 8-9 हो गए, अब तो 32 हैं। इसके अलावा थोड़े दिन बाद हमें महसूस हुआ कि जैसे हॉस्पिटल में डेथ होती, कहते बॉडी घर ले जाओ, घर में बेचारे अब वो बर्फ़ में रखें कैसे रखें। बड़ी मज़ेदार बात है कि प्रशासन सोया हुआ है इस बारे में कि दिल्ली के अंदर अगर 10,000 हॉस्पिटल हैं उसमें से 9,500 के अंदर मोर्चरी नहीं है, अरे डेड बॉडी रखने का साधन नहीं है। रात को 2 बजे कहेंगे बॉडी ले जाओ जी, इवन दिन कोविड में भी उन्होंने बॉडियाँ घर भेज दी। तो उन लोगों के लिए हमने मोर्चरी बॉक्स बना दी है, एयर कंडीशन, हमारी गाड़ी जाके उनके घर में फिट कर आती है, फिर अगले दिन वापस ले आती है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये तीसरा काम हो गया। चौथा, जितने भी बॉडीज हमारे शमशान घाट में आती हैं उनकी जो अस्थियां बच जाती हैं को लेने नहीं आता, वो मेरा बेटा ज्योत हर महीने इकट्ठी करके अपनी गाड़ी भर के हरिद्वार जी में जाके गंगा जी में प्रवाहित करके आता है। अरे वो लगातार, अब तो हमारे को 28-30 साल हो गए, पहले मैंने शुरू किया था, बेटा करता है, और लास्ट मेरा काम है ब्लड डोनेशन का, क्योंकि मैं सबको प्रेरित करता हूँ इस बात के लिए कि रक्त एक ऐसी चीज़ है जिसे ना पशु दे सकता है ना पंछी दे सकता है, जापान जैसा मुल्क भी ब्लड नहीं बना सका, इंसान को इंसान ही ब्लड दे सकता है। दो ही साधन है रक्त देने के, ईश्वर या हम, बीच में कोई तीसरा जरिया नहीं है। इसलिए मेरा स्लोगन है रक्तदाता है जीवन दाता, उससे बढ़कर सिर्फ विधाता, बीच में कोई जरिया नहीं है जी। एक और, मैं 106 बार ब्लड दे चुका हूँ और मेरा वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम आया है। कहते हैं ना किसी को कुछ कहने से पहले अपनी संटी जी, मैं वही कह रहा हूँ कि केवल ये सेवा कार्य और ये सोच आप तक सीमित रहती ना, तो हम सोचते कि भाई ये हम अपने लिए जी और अपने लिए यश करा। लेकिन मैं आज जो आपको जिस रूप में देखता हूँ, आप तो इस विषाद को अपना जीवन अंगीकार कर लिया आपने, सेवा सेवा को तो आप ये कुछ आप अगर मैं कहूँ तो इसको सेवा नहीं, आप इसको प्रभु कार्य समझते हुए आप काम कर रहे हैं। आपने अपने बेटे प्रभजोत को भी, ज्योतजीत, ज्योत ज्योत को भी आपने इसमें जोड़ा, और वो भी ये प्राकृतिक आपदा प्रबंधन के चेयरमैन है आपके साथ। और मेरा जो सुपुत्र है वो शायद आपके बेटे का के साथ क्लासमेट था। अच्छा। और जब उसने देखा कि अरे ये तो मेरा दोस्त है, और वो ये उस कोरोना के टाइम की बात है कि जब मानवता बिल्कुल आईना लेके खड़ी हुई थी कि देख मानव तू क्या है, उस समय शवों को अपने परिजन भी हाथ नहीं लगा रहे थे, झिझक रहे थे, उस समय आपने, आपके ज्योत बेटे ज्योत सिंह ने जो कार्य किया, और मुझे टीवी पे दिखाई भी दे रहा था कि कहीं आप किसी को साक्षात कर रहे थे, आप दोनों को भी इतने काम करते करते भयंकर करो कोरोना हो गया, बहुत बिगड़ा हुआ कोरोना हो गया। हमने कहा अरे भाई ये तो हाथ हवन करते हुए हाथ जल गए, ऐसा इनको अब थोड़ा बचना चाहिए। उस समय का थोड़ा अनुभव बताएं कि आपने क्या अनुभव देखे। देखिए मुझे बहुत लोगों ने मना किया, हमने छलांग लगाई इस अग्नि में, क्योंकि मेरा दिल कहता था कि हम 25 साल से ऑलरेडी कर रहे हैं, मेरे पास सारे तमाम ऑफिसर्स आए कि शंटी जी आपके पास बहुत सारी एम्बुलेंस हैं, क्या आप हमें प्रोवाइड कर देंगे डेड बॉडी के लिए, पेशेंट के लिए। मेरे कई साथियों ने मना भी किया, लेकिन मैंने सोच के अपने अंतरात्मा से कहा कि देखिए हम एक मिलिट्री की तरह काम कर रहे हैं 25 साल से, और आज देश के ऊपर बहुत बड़ी आपदा आई है। मिलिट्री वाला युद्ध लगने पे अगर घर में सो के मर गया तो शहीद निकल आएगा, लड़ना तो उसको रणभूमि में पड़ेगा। बिल्कुल। और हमारी रणभूमि क्या थी, शमशान घाट, हॉस्पिटल,
मैंने कहा भी हम ये काम करेंगे। अब पहले ही कोविड में मेरा एक ड्राइवर शहीद हो गया, मेरे दो रिश्तेदार, मेरी एक साली, एक मेरे ब्रदर इन लॉ डेथ हुई, मैं, मेरा बेटा, मेरे दोनों बेटे, मेरी मिसेज, हम सब कोविड में चले गए और भयंकर कोविड में चले गए। बेटा वेंटिलेटर पे और मेरा बीपी 30-35 रह गया, ऑक्सीजन भी चली गई। लेकिन लोगों की दुआएं, जैसे आप कह रहे थे ना कि हम सोच रहे थे कि इनको नहीं मरना चाहिए, मेरे को करोड़ों, लाखों नहीं करोड़ों लोगों के मैसेज और संदेश अलग अलग तरीके से, यहाँ तक कि फिल्म इंडस्ट्री से अक्षय कुमार जी, अमिताभ बच्चन जी वगैरह वगैरह, और उपराष्ट्रपति जी ने फ़ोन किया मुझे, वेंकैया नायडू जी ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने फ़ोन किया मुझे। उससे क्या हुआ कि हमारे अंदर एक मॉरल हौसला आ गया, जज्बा आ गया। और जब हम उस लड़ाई से लड़के बाहर निकले तो मुझे मीडिया ने पूछा कि अब आपका जज्बा बढ़ा है या कम हुआ है। मैंने कहा भाई अब जज्बा बढ़ गया है, मौत आनी होती तो अभी आ जाती, नहीं आई ना, बच गए ना। लेकिन मुझे अफसोस है कि मेरा उसमें एक ड्राइवर शहीद हुआ जो मेरे पास पिछले 26-27 साल से था। इन बिटवीन दूसरा कोविड आ गया और उस कोविड को तो जितना भयंकर कह पाए, सेकंड वेव बड़ी जबरदस्त, वो कहर था हमारे देश में। और मैं तो ये कहूंगा कि हमको हमारी औकात सिखा दी, सही बात, हमारी औकात दिखा दी ईश्वर ने कि तुम कुछ नहीं, पैसे लेके खड़े रहे लोग, आप कुछ नहीं हो, आप करोड़पति थे या गरीब थे, आप घर के अंदर बंद थे, दरवाजे के नीचे से रोटी की थाली आती थी जैसे जानवर को खिलाई जाती है और आप खा रहे थे। किसको पता था कोविड आने से पहले मास्क क्या होता है, सैनिटाइजर क्या होता है, किसको पता था, कौन यूज करता था बताइए ना मुझे। आप कोई अगर ग्लव्स पहनता था या मास्क लगाता था कहते थे पैसे वाला आदमी है, कोई सैनिटाइजर लगाता था तो कहते हैं बड़ा सेंसिटिव आदमी है ये तो। लेकिन वक्त ने ऐसा कर दिया कि सबके चेहरे ढक दिए, किसी को आप आंखों से पहचान रहे हो, किसी को आवाज़ से पहचान रहे हो। वो वक्त फिल्म का एक नगमा है, उसका अंतरा है कि आदमी को चाहिए वक्त से डर के रहे, कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले में। मिजाज तो बदला बहुत। और जो चीज़ें गुरबाणी में लिखी थी जी, चाहे वो श्री कृष्ण जी ने लिखी, चाहे श्री गुरु ग्रंथ साहिब में लिखी, वो सब प्रत्यक्ष सामने आ गई। हम अक्सर गुरबाणी में पढ़ते रहते हैं कि सुख में आन बहुत मिल बैठत, रहत चहो दिस घेरे, विपत परी सभी संग छाड़त, कहू ना आवत ने रे। मैं तेरे बच्चे का बाप बनने वाला हूँ, ये देख। ओ बुद्धू, एक गैस से भरा गुब्बारा अपनी माँ को दिखाइयो। लाइफ में कुछ बातों का बचना बहुत मुश्किल, और जब हो सात सतमूल और उसका चटपटा टेस्ट, तो हर चीज बचेगी आसानी। सतमूला सेलिब्रेट्स द रिलीज ऑफ फुकरे 3 इन थिएटर्स नियर यू। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमूला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग, सतमूला नमकीन। डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन, हाँ सतमूला नमकीन। सतमूला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग, हाँ सतमूला नमकीन। संटी जी, एक चीज मुझे भी कोरोना काल की याद आती है, वो आपसे जुड़ी हुई है। संयोग से दुर्संयोग से मेरी बड़ी भाभी का भी देहांत हुआ, रविशंकर आर्य जी ने आपसे संपर्क किया, और एक अमूमन ये दृश्य था कि जो भी एक बार हॉस्पिटल चला गया ना, उसका वापस आना इम्पॉसिबल था। और उस समय रात के 2 बजे तक 12 बजे तक तो मेरी भतीजी भी साथ रही, ठीक है, हंस बोल के बात कर रही थी, और 2:30 बजे करीब ऊपर से खबर आती है वार्ड से कि क्या नाम, डेथ हो गई। एकदम झटका, खुद मुझे भी करोना, मेरी, मैं तो रोही नहीं रहता हूँ, मुझे भी करोना, मेरे दोनों बेटों को करोना, और भाई को भी करोना। शमशानों की स्थिति आपको पता ही है, आप तो प्रत्यक्ष दर्शी हैं, सब आप उसमें उस तंत्र से, उस सेवा कार्य से जुड़े हुए थे, उस विविधा में अर्थियां ऐसे लाइन लगा के नहीं, अर्थियां ऐसे फुटपाथों पे रखी हुई थी, लंबी लंबी लाइन थी। सीमापुरी जीटीबी हॉस्पिटल वालों को सीमापुरी अलॉट था शमशान भूमि, हमारा ही है वो, हाँ वो आपको। तो फिर आपसे निवेदन किया, फिर आपने मेरे भाई को गाजीपुर शमशान घाट दिया कि मैं वहां भी जल्दी हो सकता, कारण जगह नहीं थी, और मतलब लगा लीजिए कि हमारे पास पर डे 200। आप ऐसे
एक तरफ हमारे जर्नलिस्ट वहाँ पर बैठ करके रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं लकड़ियों के टाल पर शमशान घाट में विषाद दिखा रहे हैं, और आपने उस समय देखिए ये चीज़ होती है कि एक एक सोच उभरती है कि जब आप कुछ काम कर रहे थे ना ऐसे अलौकिक, फिर ना तो आपको वहाँ पर माइक चाहिए ना कैमरा चाहिए, वो तो लैपटॉप वगैरह सब लेके बैठी हुई थी सिस्टम बरखा रहा है बरखा दत्त। और मैं आज को आपको एक चीज़ और शंति जी मैं आपसे निवेदन करूँगा कि मैं जिस चीज़ से मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, मेरे पिताजी की मृत्यु हुई 2009 लोहड़ी पर, आपका ही संवाहन आया था और वो शमशान भूमि तक नहीं गया था, वो गया था केवल आर्यसमाज मंदिर तक, क्योंकि मेरे पिताजी ने आलोक जी का देहदान देहदान समिति से प्रण किया हुआ था, याद है मुझे। वहां से फिर वो एम्बुलेंस एम्स की आ गई थी, मुझे याद है। फिर माताजी का देहांत हुआ, फिर आपको कॉल किया गया, उन्होंने जीवन सफल कर लिया अपना। उन्होंने भी माताजी ने भी मतलब मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में संपूर्ण देहदान, कोई संस्कार नहीं हुआ, और उसके बाद जवाबदेही बन जाती है मेरी भी, मेरी पत्नी की भी, मेरे बच्चों की भी। तो आपको जानकर खुशी होगी कि आज मेरे परिवार में सभी लोग देहदानी हैं, जो विल कर रखी है उन्होंने माता पिता के बाद। बहुत अच्छा। तो आपने एक तीन आपके कार्य भगत सिंह सेवा दल के, एक निसहाय लोगों के निर्धन लोगों के अंतिम संस्कार करना, शव वाहन, फिर अब आपने प्रारंभ कर दिया जो फ्रीजर होता है मोर्ची उसकी मोर्ची बॉक्स हो गया 15 है मेरे पास, और ब्लड डोनेशन का आपने कर दिया, अस्थि विसर्जन भी, और अस्थि विसर्जन का कर दिया। मेरा आपसे एक आग्रह है कि देहदान के लिए लोगों को प्रेरित करना, कर रहा हूं मैं जुड़ा हुआ, इसलिए इससे से जुड़ा हुआ, कारण क्या कि ये जो चीज है ना, क्योंकि आप है, हम अपनी एक सेकेंड रो थर्ड रो फोर्थ रो भी हम तैयार करें। इसमें प्रवीण जी मैं कुछ कहना चाहूंगा कि प्रशासनिक गलतियां बहुत ज्यादा हैं। आप देखिए पोलियो दिल्ली में खत्म हो चुका है तकरीबन, देश भी खत्म हो गया है, लेकिन आज भी करोड़ों रुपया ऐड दे के अमिताभ बच्चन जी आते हैं दो बूंद सिर्फ, जिसकी जरूरत नहीं है। जरूरत किसकी है? 5 लाख यूनिट ब्लड दिल्ली के अंदर ही हर महीने चाहिए, 5 लाख यूनिट डोनेट करते हैं 1 लाख लोग। तो ब्लड डोनेशन के लिए किसको हमने अवेयर किया आज तक? प्रशासन ने, सरकार ने कब कहा किसी को भी आप देहदान करिए? कहाँ अवेयर किया हमने? अच्छा जो कर रहे हैं सपोज ब्लड डोनेशन को, कह रहे जी मैंने 25 बार किया 30 बार किया, सरकार क्या दे रही है उसको? जी मुझे इसका जवाब दीजिए ना आप। अगर अगर कोई ऑफिसर किसी भी डिपार्टमेंट का है 2 घंटे फालतू अगर ड्यूटी करता है तो उसको ओवर टाइम मिलता है, मिलता है कि नहीं मिलता? इंसेंटिव मिलता है ना। जो अपने शरीर का सबसे जरूरी अंग दे रहा है, जिसके बिना जीवन ही नहीं है, जिनके बच्चों को थैलेसीमिया, उनसे पूछिए खून की क्या कीमत होती है। सही बात है, हर महीने उनको खून चाहिए होता है, खून के आंसू रोते हैं वो, और आप जैसे लोग, हम जैसे लोग जब खून दे के आते हैं ना, वो हमको ऐसे प्यार करते हैं जैसे वो किसी भगवान को प्यार कर रहे हैं। लेकिन प्रशासन क्या कर रहा है उसके? आपने कभी ऐड देखी है ब्लड डोनेशन? सही बात, सही बात, बताओ मुझे आप कहीं देखियो, पूरे देश में बता दो आपने। अभी वर्ल्ड ब्लड डोनर डे गया है अभी 1 हफ्ता पहले, मैंने तो कहीं होल्डिंग नहीं देखा, कहीं बोर्ड नहीं देखा। करोड़ों रुपए फंड आता है इनके पास, हेल्थ वालों के पास करोड़ों रुपए फंड आता है, कहाँ लगाते हैं हमें नहीं पता है। अब देखिए जैसे कोविड आया, एक तरफ तो हमें खुशी हुई कि लोगों ने बहुत सेवा की, संस्थाओं ने बहुत सेवा की, चाहे वो सामाजिक थी चाहे धार्मिक थी। डॉक्टर, टेक्नीशियन, नर्सेज, एम्बुलेंस ड्राइवर, शमशान घाट पे काम करने वाले कर्मी, इन सब ने अपनी जान लगा दी। लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल वाले क्या कर रहे थे जी? पचास 40-40 लाख रुपए के बिल ले रहे थे। क्या किसी एक के खिलाफ केस रजिस्टर्ड हुआ? नहीं हुआ। मुझे बताइए आप, दिल्ली के अंदर सरकार ने वहाँ नोडल ऑफिसर भी बिठा रखे थे, क्यों नहीं अरेस्ट करा उनको? NSC क्यों नहीं लगा उनके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट? अगर मैं गलत कह रहा हूँ, बिल्कुल ठीक, अगर मैं गलत कह रहा हूँ, तो 2000 वाला इंजेक्शन 2 लाख का किसने बेचा दिल्ली में? बताइए मुझे आप, 500 रुपए वाला ऑक्सीजन का सिलेंडर 50,000 का किसने बेचा दिल्ली के अंदर? 1,000 वाली एम्बुलेंस 50,000 में किसने दी? बताइए ना मुझे इस बात को। और इन हॉस्पिटल वालों को तो मैं कहता हूँ भगवान भी कभी माफ नहीं करेगा, जिसका एक हॉस्पिटल था 11-11, 12-12 हो गए उनके हॉस्पिटल, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कोई नकेल नहीं कसी गई है, पता नहीं कौन कौन मिला हुआ है इसमें, मुझे नहीं पता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उन्होंने पेशेंट से भी पैसे लिए और लाशों से भी पैसे लिए।
और मैंने जब लाशें दिलवाई लोगों को जा जाके लड़के तो 11 केस मेरे ऊपर रजिस्टर्ड है, 11 केस। बोलो इस तरीके के नरबख्शी भी बैठे हुए थे ना देश में, देखिए। अच्छा, अगर मैं दावे से कहता हूँ, दिल्ली के अंदर जब एक रात में जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में 25 लोग मर गए, इससे बड़ा और क्या त्रासदी हो सकती है। उसके बाद होम मिनिस्टर जी सड़क पे उतरे, खुद उन्होंने देखा, जाके संज्ञान में लिया भी वाकई दिल्ली में बड़ा बुरा हाल है, नहीं तो अदरवाइज दिल्ली तो लुट गई थी बिल्कुल। लाशें जो हैं फुटपाथों पे पड़ी रह जानी थी 200 लाशें एक दिन में आ रही थी। यार मजाक है कोई, दिल्ली में लकड़ी नहीं थी संस्कार करने के लिए, और ब्लैक में 1-1 लाख रुपए लोगों ने क्रिमेशन का भी दिया, ये बता दूं मैं आपको, कई शमशान घाटों में 1-1 लाख रुपए दिया। मैं बता रहा हूँ वो जो लाशों की स्थिति थी कि ऐसे लाइन लगा के, नहीं ऐसे ऐसे लाइन लगा के लाशें रखी। और बता देता हूँ आपको कि हम जब शमशान रात को 2 बजे 2:30 बजे 3 बजे हम जब थक जाते थे कि यार चलो अब काफ़ी हो गई हैं 150-200 बाकी कल करेंगे, बाहर निकलते थे 15-20 लोग लावारिस छोड़ जाते थे। हम उनको फ़ोन करते थे, उसके ऊपर नंबर लिखा होता था, तो कहते थे शंटी जी अब तो हम टूट गए, हमारे हिम्मत नहीं, आप ही करा देना संस्कार। बोले ये हालात बन चुके थे। मेरा कहना ये है कि जहाँ अच्छे लोग अच्छा काम कर रहे थे, कोई प्रवासियों की सेवा कर रहा था, कोई यही तो शंटी जी आपसे अनुभव जानना देश को जरूरी है। प्रवीण जी चार लोग मिल गए थे आपस में, चार लोग आपस में मिल गए थे। कौन कौन थे वो? एक तो फार्मा कंपनियों वाले, फार्मा कंपनी, उन्होंने 5 रुपए वाली दवाई 500 रुपए की बेची है। एक ये पैथ लैब वाले हॉस्पिटल तो है ही है। और चौथे कौन थे? इंश्योरेंस कंपनियों वाले। इंश्योरेंस कंपनी, इन्होंने गुंडागर्दी क्या करी, जैसे पहले कोरोना आया इन्होंने कहा जी 35,000 रुपये दीजिए, आपकी 5 लाख की इंश्योरेंस सिक्योर है, 5 लाख तक का हम आपको पैसा देंगे। उत्तम नगर में एक सज्जन ई रिक्शा चलाते थे, उन्होंने वो करा ली और वहीं पे एक हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, 12-15 दिन रहे वहाँ पे। 4,95,000 तक का जब बिल बन गया तो उनका TPA पास हो गया इंश्योरेंस कंपनी से। अब वो ठीक हो गए तो बिल थोड़ा सा और बढ़ गया, 5.25 लाख पे चला गया। अब वो क्या कहने लगे इंश्योरेंस वाले कि आपको तो शुगर है, आपको तो इंश्योरेंस कैंसिल। हॉस्पिटल वाले भी कहने लगे कि 5,25,000 जमा कराओ। मुझे कैसे पता लगा, उनकी बच्चियों ने ऐड उसमें किसी ने उनका बना के फेसबुक पे डाल दिया कि हमारे पापा को हॉस्पिटल वालों ने बंदी बनाया हुआ है, अगर मेरे पापा घर नहीं आए 5 दिन हो गए, अगर नहीं आए तो हम सुसाइड कर लेंगे, बच्चियों ने डाला। मेरे पास आ गया वो, मैंने अपनी साउथ दिल्ली में जो वेस्ट दिल्ली की टीम है सोनू जी को फ़ोन किया, मैंने कहा सोनू जी तुरंत जाइए हॉस्पिटल में, उनको बोलिए 2 बजे तक वो सज्जन घर पहुँच जाने चाहिए, नहीं तो फिर हम अपना एक्शन लेंगे। उन्होंने हमारी बात को बड़ा लाइट लिया और हम 2:30 बजे पहुंच गए वहाँ पे, 2:30 से 3 बजे गए, हम अपना मीडिया वगैरह सब साथ ले गए। अब मज़ेदार बात यह है कि दिल्ली गवर्नमेंट का नोडल ऑफिसर भी वहाँ मौजूद था, उसने क्या किया वहाँ पे जी? पुलिस ने क्या किया जी वहाँ पे? प्रशासन ने क्या किया? किसी ने कुछ नहीं किया। हमने वहाँ से पेशेंट को उठाया, घर छोड़ा, 1 रुपया नहीं दिया हॉस्पिटल वालों को। और उसके बाद मैंने जब वीडियो डाली तो हॉस्पिटल वाले का मुझे फ़ोन आया, इंश्योरेंस कंपनी का फ़ोन आया, सर वीडियो बंद कर दीजिए, जो मर्जी करो बैठ के बात कर लेते हैं। मैंने कहा मैं दलाल नहीं हूँ, मैं सेवक हूँ, आप जो कर सकते हैं आप करिए, मैं देखूंगा। उन्होंने 5 लाख रुपए हॉस्पिटल को भी दिया इंश्योरेंस कंपनी ने, 5 लाख रुपए घर वालों को भी दिया। नहीं गुंडागर्दी तो थी और क्या था, लाशें। वही कह रहा हूँ संटी जी कि कोरोना ने दोनों चीजें दिखाई, नकारात्मकता और सकारात्मकता। एक ऐसी चीज और चीज मैं पूछना चाह रहा हूँ कि अभी रिसेंटली क्या हुआ कि आपको पिछले महीने साधना टीवी आना था और आप विलंब हो रहा था, तो मैंने आपका फ़ोन फॉरवर्डेड था, तो उन्होंने बताया कि सर तो कल विवेक विहार में जो अग्निकांड आग लगी थी, तो उसने जो जवाब दिया और उसने जवाब आप फिर आपसे बात हुई तो आपने जो जवाब दिया, मैं सुन करके एक अलग सी फीलिंग हुई कि एक व्यक्ति क्या होता है, ये व्यक्ति क्या है, सोचना पड़ता है कि आपने कहा प्रवीण जी कल जो हुआ था वो रेक्यूज, उसमें मैं खुद वहाँ पर अभी वहीं हूँ और इतने बच्चे थे, 12 बच्चे में से मैं 5-6 ही बचा पाया, बाकी मतलब मेरा मन खिन्न है, 6 मर गए थे, 6 बच गए थे। तो थोड़ा सा जो ये बेबी केयर कांड है इसमें जब तब मुझे इसके नए आयाम के बारे में आपको पता चला कि एक आप प्राकृतिक आपदा प्रबंधन का भी आप काम देख रहे हैं। मैं तो केवल ये था कि सब मान और ये संस्कार करना कराना, लेकिन ये सुनकर के मैं सन्न रह गया कि सबसे पहले फायर ब्रिगेड भी चाहे बाद में पहुंची लेकिन आपकी टीम वहां पर पहले थी। ये बेबी केयर अग्निकांड के अंदर एक
आप जो ग्लानी का भाव महसूस कर रहे थे कि बहुत करने के बावजूद हम 12 बच्चों में से 5 बच्चों को ही बचा पाए, 2 बच्चे तो रास्ते में ही उन्होंने अपना दम तोड़ दिया, तो वो क्या है? क्योंकि ये एक बहुत एक अलग सा एक आपके साथ अनुभव रहा होगा। मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ी शिक्षा दी है दिल्ली में हमको, प्रशासन की मिली भगत से। दिल्ली में ऐसे तकरीबन 10,000 हॉस्पिटल चल रहे हैं। 10,000? हाँ, वो मैं प्रशासन की मदद से इसलिए कह रहा हूँ कि आपने एक एम्बुलेंस रजिस्टर्ड करानी हो तो 102 नॉर्म्स हैं जिसके अंदर ये लाओ जी, ये लाओ जी, ये लाओ जी, वो ला ही नहीं सकते, एम्बुलेंस रजिस्टर्ड नहीं होती है। दिल्ली में पिछले 5 साल से कोई एम्बुलेंस रजिस्टर्ड नहीं हुई है, सब हरियाणा में हो रही हैं। एक 125 गज के मकान में फर्स्ट फ्लोर के ऊपर इंटेंसिव केयर यूनिट बच्चों का खोलने की परमिशन कैसे दे दी? फिर अगर 5 की यूनिट थी, 5 की परमिशन, तो 25 बेड कैसे लगे हुए थे? और फिर नीचे वो ऑक्सीजन सिलेंडर का धंधा कैसे कर रहा था? इसमें सब इन्वॉल्व हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट सबसे पहले आता है क्योंकि मैटर हेल्थ का है। उसके बाद बिजली कैसे लग गई उसके घर में, पानी कैसे लग गया, हाउस टैक्स कैसे लग गया, फिर DDA ने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया कि ये 325 गज का मकान था, बीच में से काट के आपने 125 गज का बना दिया फ्लोर, सारे मिले हुए हैं, फायर ब्रिगेड को क्यों नहीं पता लगा जी? फायर ब्रिगेड वालों की भी तो NOC चाहिए होती है। ये चीज़ नवी निकल के आई सामने, उसके बाद सबके ऊपर केस हो रहे हैं, और अभी तक मैंने जमानत नहीं होने दिया उनकी। बहुत अच्छा। जो डॉक्टर थे वो डॉक्टर नहीं, कसाई थे। कसाई थे। मैंने तो ये भी कहा 304A क्यों, 302 क्यों नहीं? आपका बेटा, मैंने कहा डॉक्टर साहब, मैंने डॉक्टर साहब आपका बच्चा मरता तो आप कौन सी धारा लगवाते, बताओ ना मुझे, आपका नहीं मरा ना इसलिए। और बड़ी मजेदार बात है कि 12 बच्चों में से जब आग लगी, स्टाफ भाग गया वहाँ बच्चों को छोड़ के, बच्चे छोड़ के भाग गया, आगे से हम घुस नहीं सकते थे। मुझे वहाँ का भूगोल पता था, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ, मैं था, मेरा बेटा जोत था, पीछे से गए तो वहाँ मोहल्ले वालों ने बड़ी मदद की, मोहल्ले वाले भी हमारे साथ चढ़े, मैं भी अंदर घुस गया, पीछे शीशे टूट गए थे, सीढ़ियाँ लगा के, फर्स्ट फ्लोर था ना, हम बच्चे अंदर से पकड़ाते जा रहे थे, मेरा बेटा हॉस्पिटल छोड़ के आ रहा था, वहाँ के लोकल गार्जियंस भी थे। हुआ क्या इसमें जो मुझे देखने को मिला है कि एक भी नेता आगे नहीं आया वहाँ का, लेकिन जब अगले दिन आग बुझ गई, बच्चे चले गए, बच्चे बेचारे मर गए, बचने वाले बच गए, उसके बाद देखा मैंने सुबह सारे वहाँ खड़े होकर इंटरव्यू दे रहे हैं, अलग अलग तरीके से इंटरव्यू, जैसे कोविड में लोग घरों से बैठे इंटरव्यू दे रहे थे। लेकिन ऐसे हादसे दिल्ली में अभी बहुत होंगे, उसका कारण है। मुखर्जी नगर में एक पीजी में आग लगी थी, एक लगी थी आग, लोग बच्चे कूद गए, बड़ी जांच हुई, उसके बाद क्या है दिल्ली के अंदर 10,000 PG चल रहे हैं आज। लक्ष्मी नगर चले जाइए, मैं आपको 1,000 दिखा देता हूँ, मुखर्जी नगर चले जाइए, ये जहाँ जहाँ ये हादसा हुआ है, इसमें तो 12 बच्चे थे 125 गज में, 150 गज में, उससे ठीक आगे 10 मकान से आगे जाके मेन रोड के ऊपर हमारे गुरुद्वारा भी एक के साथ स्कूल है, एक दशमेश पब्लिक स्कूल, 500 गज के अंदर जो भी नजायज घेरा हुआ, DDA ने नहीं दिया, 1,000 बच्चा बिठा रखा है, 1,000 बच्चा स्टूडेंट। हाँ, क्या प्रशासन सोया हुआ है क्या? कैसे एजुकेशन वालों ने उनको परमिशन दे दी, उन ऑफिसर्स को जिनके टाइम में एजुकेशन डिपार्टमेंट ने उनको परमिशन दिया? सस्पेंड करना चाहिए, सस्पेंड भी नहीं करना चाहिए, टर्मिनेट करना चाहिए, उनको जेल भेजना चाहिए। मैं तो साफ कह रहा हूँ, जिसने कोविड के अंदर हॉस्पिटल, लैब, इंश्योरेंस कंपनी जो भी थे, ये इनके ऊपर NSA लगना चाहिए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, इससे इनसे ध्यान कहाँ कहाँ से लगे, CBI वाले कहाँ गए, ED वाले कहाँ हैं, आप क्यों नहीं पकड़ते इन हॉस्पिटल वालों को, जिनका एक हॉस्पिटल था 11-12 बन गए, क्यों नहीं पकड़ते? पकड़े ना इनको, ED वाले भी जाएं इनके घर में, CBI वाले भी जाएं, इनकम टैक्स वाले भी जाएं। मैं एक चीज़ सोचता हूँ जितेंद्र जी, जितनी आप भयावह स्थिति बता रहे हैं प्रशासनिक और प्रशासनिक लापरवाही और मिली भगत की, पर मैंने आपका एक जो चरित्र और आपका आचरण देखा वो है कि वो तो आपका सेवा कार्य करने वाले व्यक्ति हैं। अभी हाल ही में मुझे जानकारी मिली प्रेस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि मैंने आपके मुंह से तो कोई ऐसी चीज़ सुनी ही नहीं कि आपने कोई ऐसी किसी वैमनस्य वाली बात बोली। देखो, किसी के अपराधी के खिलाफ बात बोलना वैमनस्य नहीं है, किसी के बारे में आपको बता रहे हैं जागरूकता करना, प्रशासनिक लापरवाही ना हो, ये सब चीज़ें एक एक रेगुलर फॉर्म में ये सब चीज़ें हैं। लेकिन अभी आपको, हमें जानकारी मिली कि आपको धमकी भी मिल रही है, अभी आपको बाहर से, आपको अब्रॉड से, काफ़ी अमेरिका से, 100 से ज़्यादा
100 से ज्यादा, ये आपको जो थ्रेट मिल रही है ये क्या है? देखिए, जैसे मैंने अभी आपको हॉस्पिटल्स के लिए कहा, सर हम कह रहा हूँ कि इनके ऊपर NSA लगनी चाहिए, इनके ऊपर इनकम टैक्स की रेड होनी चाहिए, ED की होनी चाहिए। ये क्या आपको क्या तो क्या आपको लगता है हॉस्पिटल वाले मेरे खिलाफ नहीं होंगे? बिल्कुल बिल्कुल। और 11 मैंने एक भाई, मैंने आपका वीडियो भी देखा है, आप किसी प्रोग्राम में हैं, आप कुछ बोल रहे हैं। मैं बोल ही रहा था, आप बोल रहे बीच में, कोई पता नहीं कोई बोला, मैं आपके खिलाफ केस करूंगा, आपने कुछ ऐसा। मैं ये बोल रहा था कि इतना फायदा उठाया लोगों ने कोविड में कि मुंबई की एक कंपनी ने 37,500 का पैकेज निकाल दिया मरने का, कि हम संस्कार क्या करेंगे, पहले पैकेज बुक। इसी पे कुछ चीज़ कोई उस बंदे की किस्मत खराब हुई, उसी कार्यक्रम में बैठे थे साउथ दिल्ली में, कह रहे थे मैंने किया है, तो मैंने कहा तेरे को बख्शूंगा नहीं, तेरे खिलाफ मैं FIR कराऊंगा और मुंबई में आगे कराऊंगा, और मैं गया मुंबई में और मैंने उसका धंधा बंद करा दिया वहां जाकर। ये मेरी फितरत है। देखो हुआ क्या था, कोविड के टाइम से ही हमको धमकी आनी शुरू हो गई थी कि आप सनातन के अनुसार संस्कार नहीं कराओगे, सिर्फ अपनी कम्युनिटी का कराओगे, आप मुसलमानों का भी करा रहे हो। मैंने कहा जी मुझे मरने वाले ना ना हिंदू दिखते हैं ना सिख ना मुसलमान, कोरोना काल इंसान है। नहीं नहीं, कोरोना काल में आपने चाहे वो मुस्लिम हो चाहे कुछ भी, संस्कार क्रिश्चियन का भी किया है, मतलब वही अपने जैसे क्रिश्चियन को दफनाया। गुरु गोविंद सिंह जी के टाइम में जब युद्ध चल रहा था, भाई कन्हैया जी की ड्यूटी लगाई गई थी कि आप जो जख्मी होंगे उनको दवाई लगाओगे, जो प्यासे हैं उनको पानी पिलाओगे। युद्ध के कुछ नियम होते हैं कि रात को लड़ाई बंद हो जाएगी, महिलाओं पे वार नहीं करेंगे, पीठ के पीछे। तो गुरु गोविंद सिंह जी को किसी ने आगे कहा कि आपके जो भाई कन्हैया जी हैं वो तो दुश्मन को भी पानी पिला रहे हैं, उनको दवाई लगा रहे हैं। तो जब उन्होंने बुलाया उनको कन्हैया जी को, कन्हैया जी ने कहा जी गुरु जी आपने तो कहा कि जख्मी को आपने पानी भी पिलाना है, जख्मी को दवाई भी लगानी है, आपने ये कब कहा कि हमारे जख्मी हो या उनके जख्मी हो, मुझे तो जख्मी दिखता है वो खाली। तो मुझे भी उस समय सिर्फ वही दिख रहे थे कि ये डेथ जो हुई है एक इंसान, बल्कि सच बोलूं मैं दिल्ली में इंसान नहीं मरे थे, इंसानियत ही मर गई थी, इंसानियत ही मर गई। सच बोलूं मैं आपको, दिल्ली के अंदर इंसानियत मरी है। और जब हमने उनकी बातों का जवाब देना शुरू किया कि हम तो संस्कार कराएंगे, जो करना कर लो, अब हुआ क्या कि उन्होंने समय समय पे हमें क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया और खालिस्तान के बारे में ज़्यादा बोलना शुरू कर दिया। एक पन्नू नाम का जंतु है, गुरपतवंत पन्नू लिखते हैं अपने आप को, और वो अमेरिका में है क्योंकि कनाडा वगैरह शायद देता है इनको, जो टूडो है वो क्यों देता है कि उसको वहां से रेवेन्यू मिलता है सिखों से, उनका उसका बाप भी करता था ये काम। इसीलिए आपको याद होना चाहिए कि एक हवाई जहाज को उड़ा दिया गया था, उसके बाप के समय में 325 लोग मरे थे, मरे भी कैनेडियन थे, कनिष्का वाला। अब सुनने की बात यह है कि जब इन्होंने जगह जगह पे बोलना शुरू कर दिया पुन्नू ने, तो मेरे बेटे ने किया कि कनॉट प्लेस में तख्ती लेके खड़ा हो गया, से नो टू खालिस्तान, आई लव हिंदुस्तान, इसमें क्या बुराई की थी, उस पर धमकियाँ आ गई। फिर मैंने अपनी वीडियो पे बोला कि आप अमेरिका में बैठ के खालिस्तान मांग रहे हैं, मांगिए, हमारा वतन हिंदुस्तान है, हमारे खून के अंदर हिंदुस्तान है, हमारे गुरु नानक देव साहब से लेके गुरु गोविंद सिंह साहब तक सब ने इस देश के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, हिंदू पंडितों के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, गुरु तेग बहादुर साहब ने, चार साहबजादे वारे हैं, तो हमारे तो देश भारत है, हमारा देश हिंदुस्तान है, आपने खालिस्तान बनाना बनाइए, हमारा यहाँ का कोई बंदा उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। वो बातें उनको चुप गई, यहाँ तक उन्होंने पीछे अनाउंस कर दिया एक बार कि आप इंडियन एयरलाइंस में नहीं बैठेंगे सिख लोग। मैंने जब सुना तो मैंने बाईचांस औरंगाबाद, मेरा एक कार्यक्रम था, मैं औरंगाबाद एयर इंडिया में ही गया, मैंने कहा जी, मैंने वीडियो भी डाली कि तुमने जो करना है हमारा कर लो, हम तो भैया भारतवासी हैं, देश में हमारी इस मिट्टी से प्यार है हमको, हम तो मरेंगे ना क्योंकि अब तो मैं पद्मश्री हो गया हूँ तो तिरंगे में जाएंगे, हमें आपका खालिस्तानी होकर झंडा, बिल्कुल बहुत अच्छे तिरंगे में जाएंगे, बहुत अच्छे। और सच बोलूं, उन्होंने जो अपना झंडा बनाया है खालिस्तानियों ने, उसमें खंडा लगाया है, जो खंडा गुरु गोविंद सिंह जी ने दिया है वो खंडा हमारी कौम का है, उसको भी बदनाम कर रहे हैं वो। सही बात, आप अपना अलग से लोगो बनाइए ना, आप कुछ भी करिए बाहर बैठ के, आपको आपको फंडिंग ISI देता है। भारत में आतंकवाद लाने के लिए यार लोगों ने कितना भुगत लिया पंजाब के अंदर, आपने देखा टेररिज्म के दौर में एक जनरेशन खत्म हो गई, लोगों के धंधे चौपट हो गए, उसके बाद बच्चों ने बाहर जाना शुरू कर दिया फॉरेन कंट्री में, क्यों गए, कारोबार नहीं थे यहाँ पे। अब क्या हुआ पंजाब के अंदर, ये बातें करते हैं खालिस्तान की, पंजाब के अंदर धंधे नहीं थे, लोग बच्चे बाहर चले गए, उसके बाद देखिए क्या करा, नशे आ गए पंजाब के अंदर,
सफेद बिकना शुरू हो गया। उसके बाद क्या हुआ है, सबसे ज्यादा धर्म परिवर्तन पूरी दुनिया में कहीं हो रहा है तो पंजाब में हो रहा है। सबसे बड़ी चर्च का बन रही है पंजाब, पंजाब के अंदर बन रही है। मतलब सिख वेशभूषा पहन के पगड़ी पहन के वो क्रिश्चियन बन रहे हैं। मैं किसी क्रिश्चियन धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, वो अपने धर्म के लिए कुछ भी करें, लेकिन हमारे सिखों की कमी है ना जी, हमारे लीडरों की कमी है ना जी। और ऐसे बकवास करने वाले जो बैठे हैं अमेरिका वगैरह में, ये तो उल्टा खराब कर रहे हैं हमारे को। बिल्कुल, इन बातों से चिढ़ के उन्होंने हमको धमकियां दी हैं। बेटे को तो रोज ही मेल पे इधर उधर आते हैं, लेकिन मुझे तो फोन पे आई धमकी कि तेरे को और तेरे बेटे को उड़ा देंगे, तैयारी कर लो अपनी। हम तो हमने कहा जी उड़ाने वाला कौन है, जाको राके साइयां मार सके ना कोई, मरना होता तो कोरोना में मर जाते ना, हमारी गोली से कौन मर रहा है। तो प्रवीण जी ये बात थी, धमकियां देते हैं। खैर मैं जितेंद्र जी आपकी बात को पूरा करूं कि जो काम आप कर रहे हो, बुराई पर अच्छाई सदा प्रभावी रहती है, और आपने जो काम पकड़ा है प्रभु आपसे कराता रहेगा। आप शतायु होंगे, बेटा भी शतायु होगा। आप हमारे शो पे आए, आपका बहुत बहुत आभार। और आप और प्रभु आपको इतनी शक्ति दे, आपकी टीम इतनी बड़ी हो, केवल दिल्ली नहीं, आपका कार्य जो ये NCR से भी आगे जाए, और जो चीज़ आप आगे कर रहे हैं आपसे लोग प्रेरणा लेते रहें। आपको बुलाने का हमारा हेतु यही था, आपका हार्दिक आभार। और आप आगे भविष्य भी में भी हमारे चैनल से, हमारे टीवी शो से जुड़े रहेंगे, सतमोला कमिंग चौपाल से। आपका हार्दिक, मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं, अनिल मित्तल जी का धन्यवाद करता हूं, साधना चैनल का धन्यवाद करता हूं, और यही कहूंगा कि इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रस्ते पे, हम भूल कर भी कोई भूल होना। भारत माता की जय। भारत माता। सतमोला कमिंग चौपाल में अभी तक आप सुन रहे थे देश के सुप्रसिद्ध नवांकुर, वृद्धांकुर और वरिष्ठ कवि हमारे साथ थे। और सतमोला कमिंग चौपाल में हम अब सुनते हैं हमारे सतमोला कवियों की चौपाल के संरक्षक श्री अनिल मित्तल जी, जो सतमोला ग्रुप के चेयरमैन भी हैं। आज ये कार्यक्रम 21 वर्ष का तो हो ही रहा है, जो इनका शिव संकल्प है हमारे साथ, वो ये एक ना रुकने टिकने वाली यात्रा है, आगे बढ़ती रहेगी, ऐसा उनका शिव संकल्प है। श्री अनिल कुमार मित्तल जी। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल मित्तल, चेयरमैन सतमोला ग्रुप। मैं जैसे आप सब लोग जानते हैं कि 2004 के अंदर मैंने सतमोला कवियों की चौपाल आरंभ करा प्रवीण आर्य जी के साथ मिलके। तो हमारा उद्देश्य दोस्तों यही था कि जो आज ये काव्य पाठ है, जो ये बुद्धिजीवी वर्ग जो ये सुंदर काव्य पाठ हम लोग करते हैं, तो वो धीरे धीरे आज के ज़माने में लुप्त ना होता जाए। जो आज मॉडर्नाइजेशन चल रहा है, जितना टीवी पे हम और भी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, तो ये ना हो कि हमारी पुरानी जो ये एक संस्कार थी, पुरानी सभ्यता थी, कविता पाठ था, वो धीरे 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 ये लुप्त होता जा रहा था। तो इसीलिए हम दोनों ने मिलकर 2004 के अंदर सतमोला की कवियों की चौपाल आरंभ करी, जिसके अंदर हम ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जिसके अंदर नए से नए कवि, जो भी कवि काव्य पाठ उसमें करना चाहे, उसका स्वागत करते हैं हम लोग, उन्हें मौका देते हैं नए नए कवियों को। और आप लोगों से यही निवेदन है कि जो भी चाहे आप पहली बार काव्य पाठ करते हैं, तो आप सब सतमोला कवियों की चौपाल के प्लेटफॉर्म पर आएँ, आप लोगों का स्वागत है। उसके अंदर आप अपनी मौलिक कविताओं को सुनाएं, उनके अंदर जो भी कमी होगी तो हमारे पुराने जो एक्सपीरियंस कवि हैं वो उनको सुधारेंगे और आपको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आपसे निवेदन है कि सतमोला कवियों की चौपाल में आएं और अपना काव्य पाठ करें।